सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। भरोसा रखें, जब हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। आज का पंचांग 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि शाम 6:33 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 11:46 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:45 से 10:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 11:45 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कर्क राशि 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार, दिलचस्प नए अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज नए अनुबंध या प्रस्ताव के लिए किसी मीटिंग में भाग ले सकते हैं। आप किसी खास के साथ एक छोटी यात्रा पर जाएंगे, जगह की सुंदरता को देखें और बहुत सी तस्वीरें लें। बातचीत अभी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सबके संपर्क में रहना ना भूलें। आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, इन बातों का पूरा ख्याल रखें। अपनी मेहनत के कारण ही लोग आपको पहचानेंगे। आप काम के अभिस्वीकृति के साथ साथ भौतिक सुख भी पाना चाहते हैं। अपनी असफलताओं को खुद पर हावी मत होने दें, बल्कि असफलताओं को ही अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करें। पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत मामलों में दिल के अपेक्षा दिमाग से निर्णय लें, इससे आप बेहतर नतीजे पर पहुंच पाएंगे। आपकी भावुकता का कोई नाजायज फायदा भी उठा सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका आत्मबल मजबूत होगा। पुरानी बातों की वजह से आपको मानसिक तकलीफ हो सकती है, इन बातों को भूलकर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। हर एक काम को सुधारने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। अभी के समय में सेहत सुधारने पर जोर दें, अन्य बातें भी सुधरती हुई नजर आएगी। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों की मदद से कार्य विस्तार करना संभव हो सकता है। पार्टनर से मिल रही कमिटमेंट की वजह से रिलेशनशिप के लिए सकारात्मकता रहेगी। कमर दर्द की समस्या भी हो सकती है। सावधानियां, कभी कभी आपको अपनी मेहनत के परिणाम कुछ मिले जुले मिल सकते हैं, लेकिन इस बात को लेकर तनाव में ना आए क्योंकि परिणाम बेहतर ही होंगे। सरकारी कामों को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, किसी तरह की पेनाल्टी लग सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप इस समय उर्जा और राहत से भरे हुए हैं, ऐसे में व्यस्त जीवन से छुट्टी लेकर अपने साथी के साथ समय बिताएं। साथ में किसी यात्रा पर जा सकती हैं। फोटोग्राफी करना भी एक अच्छा विचार है। चचेरे भाई सहकार्यकर्ता को आपकी सहायक की चचेरे भाई सहकार्यकर्ता को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। आज आपको अपने कामों और शब्दों को लेकर बेहतर समाधान करने की जरूरत है, क्योंकि अन्य लोगों का नजरिया आपसे अलग हो सकता है। आप कुछ चीजों को नियंत्रित महसूस करेंगे। रोमांटिक लहरों पर भी आपके जीवन में आगमन होगा। आप सही स्थान पर और सही इंसान के साथ हैं, इसलिए बस चिंता छोड़कर इस समय को एंजॉय करें। बात करते हैं करियर की। चचेरे भाई बहनों के साथ छुट्टी यात्रा या बातचीत की संभावना है। घर के अटके हुए कामों जैसे टूटी हुई खिड़कियां, नल लीक करना या खराब बिजली के उपकरण को आप आज पूरा करेंगे। याद रखे, कोशिश किए बिना आप सफलता और असफलता के बिना नहीं जान पाएंगे। आज जो भी करें उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि लोगों की नजरें अब केवल आप पर ही है। एक सतर्क आचरण इस कठिन समय में भी आपकी मदद करेगा। आपकी कड़ी मेहनत को भी पहचान मिलेगी, किंतु आपको पहचान नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति की लालसा है। याद रखे कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बात करते हैं सेहत की।
काम तथा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मानसिक और शारीरिक तनाव रहेगा। परिस्थितियों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करें। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल से दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।